ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। जम्मू कश्मीर में अब हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर में क्या अब भी खौफ का माहौल है? कौन चाहता है कश्मीर की शांति को भंग करना? जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद से कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। पहले लोगों को भड़काने की आशंका के चलते जहां अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया, वहीं अब पुलिस की हिट लिस्ट में पत्थरबाज और अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। पुलिस ने कश्मीर में अफवाहें फैलाकर कश्मीर के हालात को खराब कर रहे युवाओं पर पैनी नजर रखी हुई है। कश्मीर पुलिस के डिविजनल कमिश्नर बसीर खान ने एक दिन पहले ही अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी कश्मीर के माहौल को खराब करने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रूमर मॉन्गरिंग हो रही है और मेरी नोटिस में ये हमारे सोर्सेज से ही मिली है ये इंफॉर्मेशन कि कुछ रूमर मॉन्गरिंग हो रही है। सम पीपल आर ट्राइंग टू जनरेट स्केयर कि अजय आप ऐसे होने वाला है, कुछ खदशा जाहिर कर रहे हैं। कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया, मैं आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं, आई हैव टोल्ड इन वेरी अनइक्विवोकल टर्म्स और मैं आज भी बता रहा हूँ इन वेरी क्लियर अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकल टर्म्स कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए पकड़ा जाएगा या पता लगेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी ऐसे मिसक्रिएंट जो र्यूमर मॉन्गरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से ताकि इनकी इंटेंशन जो है वो इंटेंशन ये हो सकती है कि कहीं पीस डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टर्ब्ड हो जाए। और मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसमें पुलिस को और सारी एजेंसीज को, मजिस्ट्रेसी को, डीसीज को, एसएसपीज को कि अगर कोई भी ऐसा र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। एक तरफ अफवाह गैंग कश्मीर में शांति ना कायम रह सके इस दिशा में अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, लोगों में तनाव फैल सके इसके लिए फेक खबरों की खेती कर रहा है, तो दूसरी तरफ कश्मीर की ये सच्ची तस्वीर देख लीजिए। लोग खुश हैं, अच्छे हैं और सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लोग घाटी में हो रहे फुटबॉल मैच का लुफ्त उठा रहे हैं। कश्मीर में रियल फुटबॉल क्लब का आज मोहन बगान के साथ मैच था जिसको देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में फुटबॉल शायकीन श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचे और यहां पर इस मैच का लुत्फ लिया। दरअसल रियल कश्मीर के फुटबॉल में आने के बाद कश्मीर में खराब हालात के बावजूद फुटबॉल प्रेमियों का फुटबॉल को लेकर और कश्मीर रियल कश्मीर के फुटबॉल क्लब के साथ जो लगाव बढ़ा है उसने कहीं ना कहीं फुटबॉल को और लोकप्रिय कर दिया है। आज इस मैच में जिस अंदाज से लोग टिकट लेने को लेकर उत्साहित थे और साथ ही साथ इस मैच पर कड़ी नज़र बिठाए हुए थे उससे साफ जाहिर हो रहा है कि रियल फुटबॉल कश्मीर जो है वो अब कहीं ना कहीं राज्य के साथ साथ देश और दुनिया में भी लोकप्रिय हो रहा है। जाहिर है कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया या फिर एक धड़ा एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जिसमें 370 के हटाए जाने के बाद माहौल खराब होने की बात की जा रही है, लेकिन सच क्या है वो तो तस्वीरें ही बता रही हैं कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हो चले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।